फास्ट एम सिक्यूज ऑफ साइकेट्री इन टॉपिक्स के एम सिक्यूज रिपीट हुए हैं इसकी डेफिनेशन ही पूछी हुई थी दट इज़ फिक्सड फॉल्स बिलीव देन सोमैटोफाम डिसऑर्डर सोमैटोफाम डिसऑर्डर फर्स्ट एम सिक्यूज इट के इट इंक्लूड कन्वरियन डिसऑर्डर सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स हाइपोकल डिसऑर्डर्स एंड ऑल ऑफ द अबव तो ये सारे ही डिसऑर्डर सोमेटोफॉम डिसडर्स में होते हैं सो आंसर विल भी ऑल ऑफ द अबव कन्वरियन डिसऑर्डर का कौन सा फीचर नहीं है कन्वरियन डिसऑर्डर के सारे फ़ीचर्स ही uh, करने क्योंकि वो एम में रिपीट हुए हैं तो एमनेजिया गेट डिसऑर्डर स्ट्रेस सीजर्स ये सब ही कन्वरियन डिसऑर्डर्स के फ़ीचर्स एक्सेप्ट ब्लैंक स्टेयर इसमें ब्लाइंडनेस uh, होती है ब्लैंक स्टेयर नहीं होती कन्वरियन डिसऑर्डर में नेक्स्ट एम सी क्यूज इंक्लूड ऑल द एक्सेप्ट अब इसमें सोमेटोफॉर्म uh, का वर्ड था सोमेटोफाम इंक्लूड ऑल ऑफ दल एक्सेप्ट इसमें ये सारे ही ऑप्शन थे कन्वरियन बीसोमेटेशन हाइपोकॉन्ड्रिकल डिसऑर्डर साथ में हाइपर था जो कि एक्सेप्ट कवर्ड आया है तो इट मीन्स कि बाकी सारे ही इसमें सोमेटोफॉर्म सु, डिसऑर्डर्स में इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट हाइपरटेंशन इसमें इंक्लूड नहीं होती ठीक है देन नेक्स्ट इज फीमेल प्रेजेंट विद रिपीटेड फिट्स एग्जाइटी बट नो ऑरा एंड वीकनेस ऑफ द लिम्स तो अब देखो कि जो कन्वरियन डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर एक तो सीज़र्स होते हैं उसी को फिट्स कहते हैं दूसरा उनके अंदर लिम्स में लिम वीकनेस होती है तो ये बेसिकली कन्वरियंट डिसऑर्डर का ही होता है इसके इसी के ये साइन सिम्टम्स हैं जस्ट उन्होंने फिट्स का वर्ड यूज़ कर दिया एज़ कम्पेयर टू तो सीजर्स सेम चीज़ है दोनों दैन एग्जाइटी Uh, इसमें फर्स्ट टाइम है कि फ़ीमेल इज़ फियरफुल दैट शी इज़ गोइंग टू डाई एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पाउंडिंग ऑफ हार्ट एट हार्ट देखो अब uh, पैनिक अटैक में क्या होता है कि फीमेल को बहुत ज़्यादा डर होता है या किसी भी किसी पेशेंट को डर होता है कि वो मर जाएगा और साथ में उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम लाइक पाल्पिटेशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सारे अगर साइन सिम्टम्स आ रहे हैं ना तो दैट इज़ पैनिक अटैक ठीक है और डर हमेशा एग्जाइटी में होता है तो इसीलिए पैनिक अटैक एग्जाइटी की एक टाइप है ये डिप्रेशन नहीं होगा जहाँ पे फियर का वर्ड आ जाए ठीक है देन जो हमारे पास एक्रोफोबिया है मींस के पेशेंट को डर लगता है कहीं मैं प्लेन में मेरी डेथ ना हो जाए या प्लेन क्रैश ना हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं डिसेंसिटाइज करके पेशेंट को देन मार्केट जाने के फियर को हम कहते हैं या पब्लिक प्लेस पे जाने के फियर को एग्रोफोबिया हाइट फियर को हम कहते हैं एक्रोफोबिया दिस इज एग्रो दिस इज एक्रो ठीक है agro, acro, और एग्जाइटी का ट्रीटमेंट कौन सा इनमें से नहीं है देखो एग्जाइटी के लिए हम इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी नहीं देते कन्वल्सिव बेसिकली हम लो वोल्टेज शॉर्ट शॉक वेव्स देते हैं ना तो ये एग्जाइटी में नहीं देते बल्कि हम डिप्रेशन में देते हैं इस समटाइम्स ओ में भी ई सी डी मतलब इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी दे सकते हैं अदरवाइज एग्जाइटी में हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं anxiety, uh, not, uh, which of, which of तो ट्रीटमेंट ऑफ एग्जायटी नॉट विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ एग्जाइटी तो इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी नहीं है बाकी सारा इसका ट्रीटमेंट है पैनिक डिसऑर्डर इज रिकोगोगनाइज बाय रेस्पायरेटरी अल्कोलोस अब पैनिक डिसऑर्डर में पेशेंट एक तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है जब हाइपर वेंटिलेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है तो एज ए रिजल्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो उसको हम कहते हैं अल्कलॉसिस चूँकि रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सो विल so बी इट विल बी रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिस ठीक है इस तरह से पैनिक डिसऑर्डर में रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिस होता है फीमेल प्रेजेंट विद लो मूड एंड एग्जाइटी एंड शी फील दैट शी सुफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक ठीक है अब देखो एक फ़ीमेल है उसको डर है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी ना हो जाए तो ये भी आपको आपने अगर एग्जाइटी पढ़ा है तो एग्जाइटी में ये पैनिक अटैक्स ही होते हैं ठीक है थेके? अब ये एग्जाइटी की ही एक टाइप है ये कि फीमेल को एक डर होता है डर का वर्ड यूजली एग्जाइटी में ही होता है एग्जाइटी में पेशेंट परेशान होता है डरा होता है किसी चीज़ से देन फैक्टिशियस डिसऑर्डर इसमें किस तरह से हम सी क्यों आया है कि uh, एक लड़की है गर्ल प्रेजेंट विद ब्लाइंडनेस आफ्टर वॉचिंग हर पेरेंट्स फाइट ठीक है पेरेंट्स के लड़ने के बाद uh, उसमें उसने ऐसे पोज किया कि जैसे उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा इट मीनस कि उसने इंटेंशन uh, से एक सिम्टम क्रिएट uh, की है तो ये बेसिकली इट इज़ ए मेलिंगरिंग वो इंटेंशनली एक सिम्टम क्रिएट करिए इसको मेलिंगरिंग कहते हैं दैन डिप्रेशन फीमेल प्रजेंट विद सैड फीलिंग लूज वेट एंड लॉस ऑफ एनर्जी सुसाइडल थाट्स तो ये डिप्रेशन में होता है सुसाइडल थाट्स जब भी आते हैं डिप्रेशन का जिक्र आएगा और बहुत सैड फील करें वेट लॉस और इनर्जी भी ये सारी डिप्रेशन में नहीं होती ये टिपिकल साइन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के और ये आने चाहिए एक कन्वरियन uh, डिसऑर्डर्स के डिप्रेशन और एग्जाइटी इनके साइन सिम्टम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं देन सवियर डिप्रेशन है अगर तो इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया एक पेशेंट है उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है डिजीनेस है और रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया है ये किस ड्रग का साइड इफेक्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेशन का अब बुक मेंच नहीं लिखा हुआ बुक में लिखा हुआ है कार्डियोटॉक्सिक है और सिडेटिव इफेक्ट है तो डिजीनेस और ये कार्डियोटॉक्सिक मीन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये इफेक्ट हो रहा है सो तो ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन का साइड इफेक्ट है नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन एस एस आर आई माओ इन्हेबिटर्स एस एन आर आई ये सारे फर्स्ट लाइन हम देते हैं क्लोरप्रोमाजीन इसका ट्रीटमेंट नहीं है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड नॉट सिम्टम ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको पहले कहा कि डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स बहुत अच्छे से करने हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं होता पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं भूख नहीं लगती ठीक है और इसके अलावा इसमें सुसाइडल थॉट्स वगैरह वो सारे होते हैं लेकिन इसमें जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन तो कन्फ्यूजन नहीं होती डिप्रेशन में देन ड्रग्स से रिलेटेड है कि एक पेशेंट ने ड्रग ट्रीटमेंट ले रहा है एक पेशेंट और उसको कौन से क्राइसिस आए हैं और ऑक्यूलो गायरिक ऑक्यूलो गायरिक क्राइसिस हैं ऑटोटिकॉलस और बॉडी बहुत स्टिफ हो गई है ठीक है ये सारे साइड इफेक्ट्स हेलो पेरीडोल के इसके अलावा कुछ ये साइड इफेक्ट्स हैं कि जर्की मोमेंट्स uh, किस ड्रग का साइड इफेक्ट है लिवोडोपा का और ए टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट वेट गेन है ये थ्री ड्रग्स हैं जो इसमें साइकेट्री में यूज़ हो रही है इनके साइड इफेक्ट्स एम सी क्यूज में आए हुए हैं